भाई आगे सुखदेव मंदिर पे, जब भी हम शुक्रताल आते थे ये वाला मंदिर मिस नहीं करते, सबसे बड़ा मंदिर है शायद, सबसे बड़ा मंदिर है शुक्रताल में। शिव जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी। अच्छा, वहाँ पे नहला के, उस वाले घाट पे नहला के शिव जी ने पार्वती को यहाँ पे लेके आके उस वृक्ष के नीचे बैठ के अमर कथा सुनाई थी। सुनने वाला अमर हो जाता था। अच्छा, सुनने वाला अमर का, लेकिन पार्वती जी तो सो गई, आसपास का सब शिव जी ने तबाह कर दिया था, मतलब जिससे कि वो सुन ना पाए, लेकिन वो वृक्ष बचा और उस पे बैठा एक तोता और मैना का जोड़ा। पार्वती जी तो सो गई, वो कहानी सुनी उस वृक्ष ने और उस तोता और मैना ये जोड़े ने। अच्छा, इसलिए वो पेड़, इसलिए ये पेड़ इतना पुराना है और विशाल है। भैया मैं नहीं आ रहे, वो पेड़ में दिखाऊंगा आपको कितना विशाल है, कितना पुराना है। क्यों नहीं आ रहे वो लोग? थोड़ी सी चढ़ाई, ज्यादा चढ़ाई नहीं है। एंड पेड़ दिखाऊंगा भी, जो पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। शिव ने अभी छोटी सी कहानी बताई, वही है यहाँ पे। बंदर बहुत ज्यादा है, तो अपना सारा सामान गाड़ी में रख के आओ। बाकी मंदिर देखो आ गया। कौन सा मेन मंदिर है? समाधि मंदिर ही है वो, स्वामी कल्याण देव। अच्छा, स्वामी कल्याण देव जी की ये ट्रस्ट सुनी गई है ना? हाँ। मैं दिखाता हूँ ना, कॉलेज भी आ गए। कहाँ है? पीछे तेरे, ऊपर चले। ये भाई, ये स्वामी कल्याण जी का मंदिर भी। चलो यार ऊपर चलते हैं, जहाँ पे कथा सुनाई थी, जो मेन यहाँ का मंदिर है ना। शूज ऊपर उतरते हैं। तो जहाँ पे शिव जी ने पार्वती जी को जो कथा सुनाई थी ना, वो अमर कथा जो सुनाई थी ना, वो इस पेड़ के पास थी। एंड तब से ये जो पेड़ है, कहते हैं पार्वती जी तो सो गई थी, लेकिन ये पेड़ और यहाँ पे एक तोता और मैना का जोड़ा था, वो उस कथा को सुनते रहे थे। तो यहाँ पे जो ये पेड़ है ना, ये अमर हो गया था, और यहाँ पे एक तोता मैना भी है, वो भी कहते हैं अमर है। अब ये तो कथाएँ हैं, कहानियाँ हैं, पता नहीं कितनी सच होती कितनी नहीं, बट एक जो वाइब है ना यहाँ से फील करते हैं हम, तो उसी चीज़ के लिए बार बार लोग यहाँ पे आते हैं। शायद इसी चीज़ की वजह से जो है यहाँ पे चीज़ें फेमस है, एंड शायद इसी वजह से हम भी अभी तक इन सब चीज़ों को जानते हैं, सब चीज़ों के बारे में पता होता है। तो पीछे जो थी स्वामी कल्याण देव जी की जो समाधि थी, उन्हीं का यहाँ पे ट्रस्ट है, उन्हीं की उससे जो है बना हुआ है। और मेरे पीछे देखो, आप व्यू देख लो थोड़ा सा, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। कहाँ पे है? एक बोरे हनुमान जी के मंदिर, जय हो प्रभु की। एंड उसकी अगर तुम थोड़ा सा क्लोजली और देखोगे, वहाँ पे गणेश जी के मंदिर है। तो ये गणेश जी के और हनुमान जी के दो मंदिर ऐसे हैं जिनको आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। क्या हो गया? कंटिन्यू ब्रो। क्या मज़ा आ गया यार आज घूमने में। और वहाँ पे मेरे सामने गुरुद्वारा मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ से। तो अगर आप लोग मोड़ने आ रहे हो शुक्रताल, या मुजफ्फरनगर भी आ रहे हो ना, तो मुजफ्फरनगर के पास थोड़ा ही पास पड़ता है शुक्रताल, 24 किलोमीटर, शायद 24-25 किलोमीटर है। तो ज़रूर विज़िट करो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे घूमने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है। बट ये वाला जो मंदिर है ना, बहुत बड़ा मंदिर है, एंड यू कैन ईजिली, मतलब आप लोग अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ।
थोड़े से ड्रोन शॉट्स लेने की कोशिश करता हूँ मैं पे, बिकॉज जिसके बाद थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तब पॉसिबल नहीं होगा ड्रोन शॉट्स लेना। तो अभी ड्रोन निकालते हैं एंड शुरू करते हैं अपना व्लॉगिंग चीज़। खाना वाना तो यहाँ पे आके हो गया, खाना बहुत ज़्यादा मस्त था। एज लाइक जो भी हमने स्नैक्स में खाया था ना, नाश्ते में किया था, वो भी बहुत अच्छा था। अभी फिलहाल प्रोग्राम ये है कि थोड़ी बहुत देर में बजने वाला डीजे एंड अपन फिर से पागल होने वाले हैं। हाँ मैं इस टाइम भी ब्लॉग कर रहा हूँ। पीछे क्या देखूँ, पीछे क्या है, साइकिल पड़ी टूटी फूटी और उधर साइकिल पड़ी कच्चा खड़ा है। हाँ तो गोबर ही तो है यार, गोबर तो गाँव में गोबर नहीं होता क्या? खा लिया नाना जी, खाना खा लिया। हाँ जी हाँ जी, तो भाई ये मेरे नाना जी हैं। ये नाना जी हाय कर दो, वहाँ पे देख आपको भी देखेंगे।